हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका जो एग्जाम होने वाला है ईएमआरएस का 17 दिसंबर से स्टार्ट है। हालांकि 16 से स्टार्ट है, वो प्रिंसिपल और पीजीटी के हैं। बाकी के जो एग्जाम है आपके 17 दिसंबर को हैं, उसके बाद आपका 23 और 24 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, वो ओएमआर शीट पर होने वाला है। यानी कि आपको ऑफलाइन पेपर देना होगा जिसमें कि आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ती है। तो उस ओएमआर शीट को किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है, दो टाइप की मेरे पास ओएमआर शीट है आपके लिए, लेके आया हूँ डाउनलोड करके बना के। तो इसको किस तरीके से, सही तरीका क्या है इसको भरने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 एग्जाम इसके दे चुका हूँ कि ओएमआर शीट पर किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है, क्या सिचुएशन वहाँ पर रहती है, और किस तरीके से आपको कौन कौन सी वो गलतियाँ नहीं करनी। भाई इतनी सी अगर आपने गलती कर दी ना, तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इसके एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। अभी अभी जस्ट मैंने वीडियो डाला है, नहीं पता कैसे डाउनलोड करने, ये वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। लिंक्स वगैरह सारी टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है डाउनलोड करने की। अब उसके उस वीडियो पर भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसके नीचे जो रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, सर उसका क्या मतलब है, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है। तो वो मैं एक वीडियो बना दूंगा, है ना। इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम केबीएस का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम इंग्लिश को करने वाले हैं, साथ ही साथ हिंदी करने वाले हैं और जीके करने वाले हैं। बाकी मैथ सर ने करा दिया है पेपर 2 का, और पेपर 2 का मैंने कंप्यूटर करा दिया है। रीजनिंग जो रहेगी हम 7 शिफ्ट की एक दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है वो कल मैं आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। और जहाँ तक है, जो 4 सेट में आपको 7 जो सेट कराने वाला हूँ, वो आपको कल तक पूरे प्रोवाइड करा दूँ, चारों सब्जेक्ट का, जी रीजनिंग का पूरा एक ही दिन में, साथ के साथ जो आपके मॉक हैं वो हमें एक साथ आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इसको भरना कैसे। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भरने के लिए देखिए ऑनलाइन होता वहाँ सब कुछ चीज़ें दिख रही होती है सामने। इसमें अगर एक गलती कर दी ना, क्योंकि ये शीट एक ही मिलती है आपको केवल, अगर इसमें भी भरते में आपने गलती कर दी तो समझ लो कि आपका मतलब आपको पूरा पेपर आता हुआ पेपर अगर आपकी एक छोटी सी माइनर गलती है तो उसके वजह से आपका पूरा पेपर जो है निस्तो नाबूद हो जाएगा, यानी कि उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें भरनी है। मैं आपको पेन से बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से इसमें चीज़ों को ध्यान रखना, और जो ध्यान रखने वाली चीज़ें उसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। उस अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की कुछ आपको आंसर शीट दी जाएगी वहाँ पर, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका है वो आपको दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके की आंसर शीट आपको दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ अनुदेश दिए होंगे, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए होंगे। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये गलती मत करना कि जल्दबाजी में हम भर दें, ठीक है। इसको क्या करना दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, विजिबल। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या क्या इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपकी शीट होगी, यहाँ पर दिया हुआ नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले या काले बॉयल पेंट्स भरें। आपको केवल नीले या काले, या उसमें जो आपके आंसर शीट मिलेगी उसमें जो कलर लिखा है उसी से आपको भरना है। दूसरा, अनुक्रमांक रोल नंबर डालना है। तो जो रोल नंबर होगा, भाई 2 मिनट ले लेना, पर रोल नंबर को ईजिली भरना। मान के चलिए किसी का रोल नंबर 1 से लेकर ये इतने खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो बिल्कुल क्लियर राइटिंग में आपका जो नंबर है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर राइटिंग में लिखना, बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में, एक एक लेटर को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 1 बना दिया वो अलग ही लग रहा है, 2 बना दिया 5 लग रहा है, ऐसा नहीं, क्लियर होना चाहिए। जब ये चेक होती है आपकी, ये मशीन के थ्रू चेक होती है, मशीन में अगर एक भी एरर आ गया तो आपका पूरा पेपर धरा की धरा रह जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं। फिर अभ्यर्थी का नाम इन कैपिटल लेटर, भाई फिर बोल रहा हूँ जो इंस्ट्रक्शन दिए वो देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आप जल्दी पढ़ते नहीं, आपने देखा नाम लिखना और फटाक से आपने क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे नाम लिख दिए, ऐसे छोटे छोटे लिख दिया, है ना, स्मॉल लेटर मत करना। यहाँ लिखा है साफ साफ अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही इस पर पेन चलाना, बहुत ध्यान से इन इंस्ट्रक्शन जितने भी लिखे हैं उस चीज़, ठीक है। नाम लिखना है तो मान के चलिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, RAHUL, इस तरीके से क्लियर आपको नाम यहाँ पर डालना चाहिए जो आपकी आंसर शीट में दिया हुआ। तीसरे बाद फादर्स नेम हो सकता है आपका, माता का नेम हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है वहाँ पर, तो फादर्स का नेम है तो वो भी आपको डाल देना है, ठीक है। मान के चलिए XYZ, तो कैपिटल लेटर में डालना है, जैसे लेटर वहाँ लिखे स्मॉल में लिखे स्मॉल में डालना है। तो सारी चीज़ें क्लियर वे में दिखनी चाहिए सीधे।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन है केवल नीले या काले बॉल पेन से सही गोले का गहरे निशान से भरिए, ये हो गया। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, पूरा गोला गहरा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा नीचे दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है कि आप कौन सी गलती होती है और कौन सा आपको सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ना दिख रहा है ना, थोड़ा और जूम में करने की कोशिश करता हूँ, चलिए इसको लो, जिससे आपको क्या क्लियर वे में ये दिख जाए सारी चीज़। अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें आपने दो गोले भर दिए, देखिए एक ए भी टिक कर दिए, एक टी भी, भाई मशीन केवल एक ही को मानेगी तो, है ना, तो एक इसमें से कोई एक भरना है, तो ये आपका गलत माना जाएगा, गलत लिखा ऊपर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये देखिए दूसरा मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको, ऐसा करते हैं अपन, ठीक है। ये देखिए देखिए यहाँ पर जो दूसरा वाला है, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, हाँ देखिए दूसरे में क्या करा है इसने, इसने पहले ये लगाया हुआ तो इसने मार दी इसको, भाई ये नहीं लगा रहा मैं, गलत है ये, फिर तुमने ये लगा दी तो ये भी आपने दो टिक कर दिए तो मशीन नहीं पड़ेगी। तीसरे में गलती ये कर दोगे कि इसको गलत कर दिया आपने, इसको राइट कर दिया तो भाई ये भी गलत है, गलत। अब जो देखिए यहाँ पर भी ये गलती है आपकी कि ये रॉन्ग है, ये को रॉन्ग कर दिया, क्यों क्यों देखिए इसमें क्यों गलती है, देखिए इसमें इसलिए गलती है पूरा गोला नहीं भरा है आपको, देखिए इसमें पूरा गोला भरा है, इसमें क्या कर दिया इसने आधी जगह छोड़ दिया, आधा आधा गोला भर दिया, थोड़ा सा टिक कर दिया, ये भी गलत है, ये सही होगा। देखिए ये वाला, ये आपको दिख रहा है ना सही, सही कैसे, ए बी सी, और बिल्कुल इसने आंसर डी है, डी आंसर दिया, उसको पूरे से अच्छे तरीके से उसको गोला करके इसने रख दिया है, ठीक है, तो ये इसका वैलिड बनाएगा, ठीक है। ये देखिए तो दोस्तों यहाँ मैंने बता दिया कि कौन सा आपका सही रहेगा, ये माना। फिर लिखा है कि, है ना, देखिए किसी उत्तर के लिए एक बार एक गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमति नहीं, मतलब एक बार लगा दिया, जैसे आपने मान के लिए इसमें लगा फिर इसको काट के इसको कर दिया, भाई गलत माना जाएगा, एक बार में एक ही ये सही माना जाएगा, केवल एक ही बार, तो बहुत ध्यान से आंसर शीट को भरिएगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर पत्रिका पर, उत्तर पत्रिका पर अन्य कोई निशान लगाए, किसी भी तरीके का निशान नहीं, केवल गोला होना चाहिए, वो भी परफेक्ट गोला। इसे OMR उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है, तो इस पर जो OMR शीट होती है ऐसा मत करने लगा कि भाई यहाँ यहाँ कर लेता हूँ मैं 2+2=4-2 फलाना, भाई कुछ नहीं करना है ऐसा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना, केवल इसमें जो डिटेल है वो भरना है और केवल आंसर भरना है, ठीक है। प्रत्येक, देखिए यहाँ लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले में निशान लगाकर दीजिए, जो जिस नंबर पर जो गोला है वहीं पर आपको निशान लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए नीचे जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए उदाहरण है प्रश्न टू भरने की विधि, केवल नीले या काले बॉल पेन से भरिए, हाउ टू फिल एड मार्क ऑन दी साइड विथ ब्लू एड ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा वो इस तरीके से भी भरवाया जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों आप अपन कहाँ पर थे, देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको रोल नंबर भी डालने को बोला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रोल नंबर होगा उसको इस तरीके से भरना है, फिर उसके नीचे एक नंबर है तो एक नंबर पर गोला लगाएंगे, सात नंबर है तो इसमें सात नंबर तक गोला लगाएंगे, इस तरीके से नौ तक होता है ना, जीरो है तो जीरो पर लगाएंगे, टू है तो टू पर गोला लगाएंगे, तो इस तरीके से बहुत प्रॉपरली भाई बहुत आराम से भरना, एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंच जाना, ठीक है। चलिए इसके बाद मुख्य पुस्तिका नंबर, यहाँ पर आपको जो पुस्तिका दी जाएगी, जो बुकलेट दी जाएगी, जैसे कि जो आपका जैसे यहाँ पर मुख्य पुस्तिका नंबर लिखना, आपको जो आपका पेपर दिया जाएगा उसका नंबर लिखना, ठीक है, पेपर दिया जाएगा उसका नंबर, जैसे स्टेट कोड वगैरह या जो आपका सेंटर का कोड है वो दिया जाएगा, तो उसको भरना है पहले, इस तरीके से उसको डालना, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना। इस तरीके की आपकी देखिए आंसर शीट दी जाएगी, इसको बोलते हैं मुख्य पुस्तिका कोड, क्या है ये, ए इसमें है, और जो आपको पेपर मिलेगा ध्यान रखना इसका, ये आंसर शीट का नंबर क्या है, ए, जो आपको पेपर मिलेगा पेपर ध्यान रखना उस पर भी ये नंबर अंकित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ये नंबर ही अंकित होना चाहिए, तो इसको मिला लेना, या वहाँ पर कोई कोड है मान के चलिए 568 है, और आपका जो आंसर ये आपका क्वेश्चन पेपर है ना, ये पेपर है, पेपर पर मान के चलिए कोई कोड है 568, तो जो आपकी आंसर शीट है ना, आंसर शीट इस पर भी सेम कोड होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को वहाँ पर आप मिला लेना जाके। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नीचे जो लाइन लिखी ना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, वो यही लिखी है कि पेपर और जो आपकी आंसर शीट उसका कोड जो है वो सेम होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद फिर कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, बस केयरफुली पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक देखिए, अगर आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ए है, यानी कि इफ़ योर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 8 इज ए, 8वें का आपका ए सही है, तो इस तरीके से आपको भरना है, क्वेश्चन 8वें नंबर के सामने ये आपका ए नंबर सही है, तो इस तरीके से पूरा गोला भरना है, ठीक है। तो ये आपका एक पन्ना रहेगा, इसके पीछे आपके जो आंसर शीट है वो आपको इस तरीके से दे रखेगी, और जो आपका ये नेम वगैरह आप लिखते हैं या जो रोल नंबर वगैरह आपको लिखते हैं, बाद में आपको यहाँ पर एक चिट चिपकी रहती है, उसको हटाएंगे पट्टी को, इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से वो चिपक जाता है, तो वो खुलेगा सिर्फ जाके सेंटर पर, ठीक है, इस तरीके की वहाँ पर चीज़ होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका रोल नंबर फिर से भरने को बोल सकता है ना, मुख्य पुस्तिका नंबर, अनुक्रमांक, मेन पुस्तक नंबर, है ना, यहाँ पर अगर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, बैन कोड वगैरह यूज करता है, ठीक है। यहाँ पर पेपर फिर मिला लेना, मैं फिर बोलूँ ये चीज़ जरूर मिला लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, आपके सिग्नेचर होंगे, और जो वहाँ पर एग्जामिनर होगा उसके भी यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है, और यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ होगा, उसकी सील लगी होगी जिसका पेपर देने जा रहा है, ठीक है, जिस सेंटर में जा रहा है उसका। चलिए
अब ये रही आपकी आंसर शीट, तो इसको कैसे भरना है, देखिए आंसर शीट है आपकी, इसको किस तरीके से भरना है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। अब देखिए एक उत्तर, एक ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम है, ठीक है, निगेटिव मतलब है ना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको इसका जो है आंसर नहीं मालूम है तो छोड़ देने का, कुछ नहीं करना ना, रॉन्ग करना ना कुछ, छोड़ दो, आपको दो का भी नहीं मालूम, तीन का, आप गए चौथे पर, चौथे का आपने बोला सी नंबर है भाई, तो सी को किस तरीके से भरना, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से भरा सी, देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा बड़ा, देखिए देखिए बिल्कुल मैंने उसको डार्क कर दिया, बिल्कुल उसको ढक दिया, बिल्कुल ना बाहर है ना आधा है ना कटा। अब अगर आप मान के चलिए आप पांचवे छठवें नंबर का आंसर देने गए और आपने बोला डी, तो भाई आपने इस तरीके से टिक कर दिया, देखिए इस तरीके से, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा गलत। अब मान के चलिए सात नंबर, आप आठ नंबर का आंसर दिए और बी आंसर था, तो आप इतना भर के चले आए, ऐसे लगा के चले ऐसे जल्दबाजी में, ये भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आप ग्यारहवें नंबर कर रहे हैं, आपको आपने सोचा सी और सी, आप फिर एकदम से बोले अरे यार सी नहीं है इसका, इसको गलत करके ये लगा देता हूँ, ठीक है ये लगाता हूँ, तो ये भी आपका गलत माना है, क्योंकि दो टिक कर दिए, केवल एक ही टिक होगा, ध्यान रखना वो होगा आपका आंसर नंबर फोर इज करेक्ट, बाकी यहाँ आपके गलत। इस तरीके से आपको गोला भरना है, और इसमें जो विशेष चीज ध्यान रखने की, मैं भी इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इसे देख लीजिएगा किस तरीके से इसमें सेक्शन वगैरह, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना इसकी, ठीक है, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पता चला होगा और किस तरीके से आपको जो आपकी आंसर शीट है यानी जो ओएमआर शीट है उसको भरना है। फिर बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देख लेना, और वहां पर जाएंगे तो मैं बार बार चीज बोल रहा हूँ, पूरा पेपर आते हुए भी आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे अगर आप एक माइनर सी भी गलती कर देंगे। जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको बहुत केयरफुली पढ़ना, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इसी तरीके का 80% इससे मिलेगा, कुछ 20% चीजें वहां पर अलग होंगी, ठीक है, कुछ अलग अलग चीजें उसमें दे रखी हो सकती है जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या करना है अपन को, केवल एक काम करना, इंस्ट्रक्शन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, दो से तीन बार पढ़ लेना, एग्जाम में थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि भाई इतनी मेहनत की है, पूरा पेपर बना के आ गए, आप तो बोले 100 लगा के आ गया, ऊपर से एक गलती कर दी आपने कि रोल नंबर डालने में, यहाँ टिक करने की जगह दूसरे पर टिक कर दिया, दो बार टिक कर दिया, मशीन में डालोगे ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन में डालोगे, वो देखेगा नॉट मैच, खत्म, खेल ओवर, पूरा पेपर धरा का धरा रहेगा। तो बहुत केयरफुली से आपको ये चीजें करनी, आई होप आप समझ गए। एडमिट का डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो, अभी एक क्लास अपलोड करने वाला हूँ जिसमें इंग्लिश करेंगे, जीके करेंगे और हिंदी करेंगे, ठीक है, सेकंड पेपर मॉक का, अंतिम जो तीन चार दिन बचे उसमें हम पूरा मॉक करने वाले हैं, है ना, रीजनिंग का भी आपको करा दूंगा और एक टॉपिक और रह गया शायद मेंसुरेशन वगैरह और मैथ का पेपर साथ, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक दो दिन में बहुत सारी वीडियो डालूंगा, हिस्ट्री के डाल दूंगा 600 क्वेश्चन जो है, और मैं अपनी जो मेरे नोट्स मैंने खुद के बनाए थे वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है, वो उसमें से आपको डायरेक्ट 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मेरे पास खुद की एक मोटर रजिस्टर है, तो उसको पूरे का फोटो लेके आपको मैं पढ़ा दूंगा, है ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बहुत बारीकी से ढूंढ ढूंढ के लिखे, कहीं जगह मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब आते आते एग्जाम बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मैं आपको करा दूंगा जीके के अलावा 2-3 हज़ार क्वेश्चन है वो, तो आपको वन लाइनर फॉर्म में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो चलो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।